Hello everyone, my name is Nevesh Kasyap. So today I am going to tell you about a very interesting book on Indian polity and constitution. So ye kitab hai, written by me, Indian polity and constitution. This is the front side of the book and this is the back side. Aap dekh sakte hain. Aur ye kitab hai andar. Andar kya hai, iske baare mein hum thodi der mein baat karne wale hain. Andar kya hai, kitne chapters hain, kahan se liya gaya hai, kya kiya gaya hai, sab kuch ke baare mein hum discuss karenge. Lekin usse pehle aapko ye janna zaruri hai ki is book ka जो सोर्स है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ये बुक को कंपाइल किया गया है. तो जो जैसे आपने किताब पढ़ी होगी, ये इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई किताब है. बहुत ही पॉपुलर किताब है और बहुत क्या मोस्ट पॉपुलर किताबों में से एक है ये. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हो, तो एम लक्ष्मीकांत हर एक इंसान पढ़ता ही है. और मेरा रिकमेंडेशन भी रहता है कि आप इस बुक को एटलीस्ट एक बारी तो जरूर पढ़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आपको ये किताब पढ़ना ही होगा. तो जो ये बुक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक का जो मेन पर्पस था वो था कि लक्ष्मीकांत, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज अ वेरी लेंथी बुक एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर बुक. आप अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ने बैठ जाओगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 20-25 डेज टू कवर. और कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स जब पढ़ते हो, आप अगर 2-3-4 बार अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ जाते हो, तब आपके लिए आसान होता है कि उस बुक को रिवाइज करना. लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सपोज करो वन डे एग्जामिनेशन देते हैं, जो भी एग्जामिनेशन वन डे का होता है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहां पे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप इन डेप्थ स्टडी करो, ठीक है, लक्ष्मीकांत को बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ो. क्योंकि लक्ष्मीकांत का पर्पस सिर्फ प्रीलिम्स या फिर वन डे एग्जामिनेशन का नहीं है. दिस बुक हैज बीन रिटन फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एज वेल. आप अगर मेंस की तैयारी करते हो तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक. लेकिन अगर आपको जल्दी रिवाइज करना है, बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है, तो दिस बुक इज बेस्ट फॉर बेस्ट रिप्लेस. आई वुड से कि ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है लक्ष्मीकांत का. और क्योंकि कि ये ऑलमोस्ट 170 पेज का है, ठीक है, तो आप इसको विद इन 5 डेज रिवाइज कर सकते हो अगर आप बहुत भी आराम से पढ़ोगे तो. अब मैं बताता हूं कि क्या इसमें लक्ष्मीकांत से कम कंटेंट है. तो देखो मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो होता है डिटेल एनालिसिस देता है, डिटेल एक कॉन्सेप्चुलाइज थ्योरी प्रोवाइड कराता है अपने बुक में. लेकिन यहाँ पे पॉइंटर्स में आपको दिखेंगे, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं लेकिन पॉइंटर्स में है, कंसाइज किया गया है ताकि आप रिवाइज कर पाओ. आपको समझ में सब कुछ आएगा अगर आप वन डे एग्जामिनेशन देते हो तो भी ये बुक आपके लिए मोर देन सफिशियंट है. एंड स्पेशली अगर आप LLB स्टूडेंट हो, अगर आप किसी LLM एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन CDS CAPF वगैरह एग्जामिनेशन स्टेट PCS के लिए मोर देन सफिशियंट बुक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है. अब हम बात करते हैं इस बुक के अंदर चैप्टर्स कितने हैं और इस बुक में क्या क्या है. तो इन दिस बुक देर आर टोटल 38 चैप्टर्स. स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 38 चैप्टर्स हैं इस बुक में. और इस बुक में क्या है कि ग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, हर एक चीज का यूज किया गया ताकि इसको कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रखा जाए. लाइक कि अगर कोई बच्चा पढ़े तो उसको ये फील ना हो कि कम पढ़ रहा हो, कंटेंट वही मिलेगा, बस उसको कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके दिया गया है, बस इतना फर्क है. तो मार्केट में आप बहुत सारे बुक्स आप देखते होगे, पढ़ते भी होगे. तो द मेन पर्पस क्या था कि लक्ष्मीकांत को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है. इवन आई वुड से कि आई हैव रेड ऑलमोस्ट 7 टाइम्स दिस बुक, आप देख सकते हो. और इसका ये तो 5th एडिशन है, आई थिंक. हाँ, ये 5th एडिशन है, सॉरी 6th एडिशन है ये बुक. तो मैंने 5th एडिशन को 3 बारी पढ़ा था. इस बुक को ऑलमोस्ट 3-4 बार पढ़ चुका हूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो. और इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जिसको निकाल के एक कंपाइल करना चाहिए, वो इस बुक में मैंने डाल दिया है. तो अगर आप चाहते हो इस बुक को परचेज करना, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बुक है जो कुछ टाइम पहले मैंने इसको कंपाइल किया था, टॉप 100 लैंडमार्क जजमेंट्स. तो इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं या फिर क्रिमिनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा. आप इसको भी परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर इस बुक के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एक बार मैं आपको बुक थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो. और मोटी इतनी बुक है, ये देख लो, 170 पेज की बुक है. तो बाकी इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.